अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ काशिफ अली एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इन क्वेश्चंस की हमने स्क्वायर रूट जो है उनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये हमारे पास डेसिमल्स गिवन है। तो सबसे पहले डेसिमल को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। तो 1.21 को हम लिखते होते हैं 121/100। ये इसको लिख लिया हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब न्यूमिनेटर भी सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर भी सॉल्व करेंगे हम। 121 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, 11 है, 121 11 अब 100 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 सबसे पहले आपने जो लीस्ट नंबर है वहां से स्टार्ट करना होता है। 2 5s are 10 और 7 0, 2 2s are 4, 1 बचा 10, 2 5s are 10, फिर 5 पे 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो अब हम इसको लिख लेंगे 121 की जगह पे उसका फैक्टर बनेगा 11 multiply by 11, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 5। ये लिखेंगे इस तरह से, ये 1.21 हमारे पास लिखा हुआ है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट और राइट साइड पे भी हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसके बाद हमने बनाना होता है इनको स्क्वायर्स की फॉर्म में। 11 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो इसका नंबर बचेगा स्टूडेंट है वो इस तरह से लिखेंगे हम, ऊपर 11 और डिवीजन में 2 5s are 10, 11/10। तो इसके बाद हम क्या करते हैं इसको अगेन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 11 को 10 पे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.1, जो कि इसका स्क्वायर रूट है। 1.21 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 1.1। तो इस तरह से हमने डेसिमल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमें जो नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उन्होंने 0.64। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमने। तो सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 0.64 को जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते होते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास ये बन जाता है 64/100। तो अब न्यूमिनेटर को भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और डिनोमिनेटर की भी। टू पे करेंगे 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। 100 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 5s are 10, फिर 5 5s are 25, 5 1s are 5। इस तरह से हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं।
अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज हम लिख लेंगे, 64 की जगह पे हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 × 2 × 2, 6 times ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यूज लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 5, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0.64। तो अब हम इसका स्केयर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसके बाद इसको पेयर्स की फॉर्म में, स्केयर्स की फॉर्म में लिखेंगे, 2 का स्केयर × 2 का स्केयर × 2 का स्केयर, और स्केयर रूट भी सेपरेट करके लिख सकते हैं इस तरह से, नीचे 2 का स्केयर × 5 का स्केयर और उसका स्केयर रूट। तो इन सब के स्केयर्स स्केयर रूट से कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और नीचे बचा 2 × 5 = 10, क्योंकि इन सब के जो स्केयर्स थे वो कैंसिल हो गए। तो 8/10 बचा, 8/10 को आपने दोबारा डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, जीरो है तो एक डिजिट, मतलब एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगा देना है 8 से पहले, 0.8। तो 0.64 का स्केयर रूट आता है हमारे पास स्टूडेंट्स 0.8, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसमें हमें जो डेसिमल वाली वैल्यू दी हुई है 7.29, को आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। तो आपके पास ये बनेगा 7.29 = 729/100। तो अब आपने स्टूडेंट्स इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 729 की भी और 100 की भी, इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आती है, आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन उधर भी सॉल्व करनी है। तो 729/100 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 × 3 × 3, 6 times 3 बनता है इसमें, तो आप सोल्व करेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। और जो 100 बनता है 2 × 2 × 5 × 5, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया हुआ है। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 7.29। तो अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना बोथ साइड्स पे, तो नेक्स्ट स्टेप होता है जो हमारा, हमने पेयर्स बनाने होते हैं स्केयर्स की फॉर्म में, 3 का स्केयर × 3 का स्केयर × 3 का स्केयर, डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर × 5 का स्केयर, और इस सारे का स्केयर रूट। तो स्केयर जो होंगे वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास जो नंबर्स बचेंगे 3 × 3 × 3 / 10, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27/10। तो 27/10 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक जीरो है तो एक डिजिट राइट साइड पे छोड़ के तो आपने इसका डेसिमल लगाना है, जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट्स राइट साइड पे छोड़ देते हैं और वन की जगह पे हम उसका डेसिमल लगाते होते हैं। ये सिंपल सा स्टेप है, आप लोगों को आना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में जो हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स 1.44, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। 1.44 = बनेगा 144,
डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे, टू डिजिट, तो 20 लगेंगे, और डेसिमल के क्या लगाते होते हैं, 1। डेसिमल को काट के 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं साथ उतने 0 लिखते होते हैं। अब इन दोनों की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 144 की और साथ 100 की, तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास जो आता है स्टूडेंट्स, वो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, 2 × 2 × 2 × 2 फिर × 3 × 3 और नीचे 100 की जो फैक्टराइजेशन बनेगी 2 × 2 × 5 × 5 और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1.44। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद आपने बनाना होता है इसको पेयर्स की फॉर्म में, 2 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट सेपरेट करके भी दोनों का अलग अलग भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो इन सब के स्क्वायर जो होंगे स्टूडेंट्स वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो वैल्यू बची ऊपर 2 × 2 × 3, डिनोमिनेटर में बचा आपके पास 2 × 5, ये डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू बचेगी, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं आगे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 2 × 5 = क्या होगा 10। तो इसको अगेन डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो 12/10 क्या होता है 1.2। ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमें जो वैल्यू दी हुई है उन्होंने 1.69, को हम लिखेंगे फ्रैक्शंस की फॉर्म में, (169/100). तो अब इन दोनों की हम प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे, तो ऊपर 169 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी और डिवीजन में हम करेंगे डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 100 की। ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करनी है, मैं इसकी स्पेस छोड़ रहा हूँ, आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर इसको कंप्लीट करना है। तो 169 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है स्टूडेंट्स 13 × 13 और 100 की जो बनती है 2 × 2 × 5 × 5। तो अब इसके बाद आपने इसका स्क्वायर रूट लेना होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद आपने बनाने हैं इसके पेयर्स, ऊपर 13 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट को इस तरह से सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो इन सब के जो स्क्वायर्स हैं वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, ऊपर बचा आपके पास 13 और नीचे 2 × 5 = 10। तो 13/10 को 10 पे डिवाइड करें तो डेसिमल की फॉर्म में आंसर आ जाएगा 1.3। ये आपका स्क्वायर रूट है 1.69 का जो स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स वो आ जाता है 1.3 के इक्वल। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। उसमें हमें जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है 12.25, तो इसको आपने सबसे पहले फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव बाय हंड्रेड
तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों की, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो इसका आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आता होता है, वो मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ आपके सामने। 5 × 5 × 7 × 7, 2 × 2 × 5 × 5, और लेफ्ट साइड पे वही नंबर 12.25। तो इसके बाद नेक्स्ट है, मैं आपने स्क्वायर रूट लेना होता है इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो उसके बाद आपने बनाने होते हैं स्टूडेंट्स इसके पेयर्स, 5 × 7 × 7, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, डिवीजन में 2 × 5 × और इसका स्क्वायर रूट। तो आपको पता है स्क्वायर इनके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे सबके, तो आपके पास ऊपर बचा नंबर 5 × 7 और नीचे बचा स्टूडेंट 2 × 5। 5 × 7 क्या होता है 35 और 2 × 5 = 10। तो इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5, जो कि इसका स्क्वायर रूट है। 12.25 × 3.5, ये इसका स्टूडेंट्स आंसर है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने सोल्व करना था। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।